हेलो दोस्तों, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज हम जो पैटर्न बनाने जा रहे हैं वो जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, जेंट्स बॉर्डर, लेडीज़ बॉर्डर, बेबी फ्रॉक, कैप आदि सभी में डाल सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरह से बनता है। बहुत ही इजी पैटर्न है। फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा तो सीधे ही बुनेंगे, फिर उसके बाद दूसरा फंदा धागा अपनी तरफ को करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। ये दूसरा फंदा है, फिर धागा पीछे करेंगे बैक साइड को। अब हम यहाँ पे दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये दो फंदे हमने एक साथ बुने, ये देखिए एक और दो, ये दो फंदे एक साथ बुने। ये क्या किया, दो का एक बनाया। फिर हम इन फंदों को छोड़ेंगे नहीं, इनमें से जो ये पहला वाला फंदा है, ये वाला, इसको एक बार और बुनेंगे। ये देखिए पहला वाला फंदा है, ये इसको एक बार और बुनेंगे। ये देखिए दो हमने एक साथ बुने थे, फिर ये दो हो गए। ये देखिए दो फंदे, फिर तागा अपनी तरफ को करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर तागा पीछे करेंगे, फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये एक और दो, दो फंदे हैं हमारे, ये दो फंदों को हमने एक साथ बुने। ऐसे में ये दो को एक किया पहले, फिर इनको छोड़ेंगे नहीं हम, इन फंदों को स्लिप नहीं करेंगे। इनमें से जो पहला वाला फंदा है उसको एक बार और बुनेंगे। ऐसे में ये दो को एक साथ बुना, फिर ये दो फंदे हो गए। फिर तागा अपनी तरफ को करेंगे, सीधी साइड को, राइट साइड को, और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये हमने एक फंदा उल्टा बुना, फिर तागा पीछे किया और दो फंदे एक साथ बुने। ये देखिए एक और दो, ये दो को एक साथ बुनेंगे। ये दो को एक साथ बुना, फिर इन फंदों को स्लिप नहीं करेंगे, बल्कि इनमें से जो पहला वाला फंदा है उससे ऐसे में ये यहाँ से सिलाई डाल के इसको एक बार और बुनेंगे। सिर्फ पहला वाला फंदा बुनेंगे, फिर इन फंदों को दोनों को स्लिप कर देंगे और तागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर तागा पीछे करेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे और फंदा इन फंदों को स्लिप नहीं करेंगे, इनमें से पहला वाला फंदा एक बार और बुनेंगे। इस तरह हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक साइड से सेकंड रो। ये हमारी दो ही रो का पैटर्न है और दोनों रो में हमें पैटर्न निकालना है। देखिए बैक साइड से क्या करेंगे, पहला फंदा तो सीधे ही ले लेंगे, अब तागा पीछे को करेंगे। ये फंदा, ये जो सीधा है, सीधी साइड से हमने उल्टा बुना था और बैक साइड से ये सीधा फंदा है, इसको हम सीधा ही बुनेंगे। इसके बाद जो फंदा उल्टा आ रखा है उसको भी उल्टा बुनेंगे, सॉरी उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ही बुनेंगे, वहाँ पे इसको सीधा ही बुनेंगे। ये इसको हमने सीधा बुनना है, फिर तागा अपनी तरफ को करना है सीधी साइड को, और ये फंदा बिना बुने उतार देना है। ये फंदा हमने बिना बुने उतार दिया, ये वो वाला फंदा है जो हमने दो बार बुना था। ये देखिए फिर तागा पीछे करेंगे और ये फंदा जो सीधी साइड से उल्टा था वो बैक साइड से क्या है, सीधा, इसको सीधा ही बुनेंगे। और जो सीधी साइड से यहाँ पे से ये फंदा सीधा था, उसे वहाँ से सीधा था और बैक साइड से ये उल्टा फंदा है, यहाँ पे इसको
उल्टी साइड से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस बार सीधा बुनेंगे। इस पैटर्न में ये बात ध्यान रखना है। फिर तागा अपनी तरफ को करेंगे और ये फंदा ऐसे ही स्लिप कर देंगे, बिना बुने उतार देंगे। फिर तागा पीछे करेंगे और जो हमारा ये सीधा फंदा है, बैक साइड से जो सीधा आ रखा है, उसको सीधा ही बुनेंगे। फिर इसके साथ वाला जो ये दूसरा फंदा बैक साइड से उल्टा आ रखा है, लेकिन इस बार इसको क्या करेंगे, सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर तागा अपनी तरफ को करेंगे और इस फंदे को जो बैक साइड से उल्टा आ रखा है और पहला है, इसको क्या करेंगे, बिना बुने स्लिप कर देंगे, उतार देंगे दूसरी सिलाई पे इस तरह से। और फिर तागा पीछे करेंगे और जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुनेंगे। फिर उसके साथ वाला ये जो ये फंदा है, ये उल्टा है, उसको भी इस बार सीधा ही बुनेंगे ऐसे। फिर तागा अपनी तरफ को करेंगे और ये जो फंदा बैक साइड से उल्टा है, उसको बिना बुने स्लिप कर देंगे, उतार देंगे दूसरी सिलाई पे, ये देखिए। फिर तागा पीछे करेंगे और सीधा फंदा सीधा ही उतारेंगे। फिर उसके साथ वाला ये उल्टा फंदा, उसको भी इस बार सीधा ही बुनेंगे ऐसे। फिर उसके तागा अपनी तरफ को करेंगे और उसके साथ वाला जो ये उल्टा फंदा है, उसको बिना बुने उतार देंगे ऐसे। फिर तागा पीछे किया और सीधा फंदा सीधा बुन के उतारेंगे। फिर उसके साथ वाला ये उल्टा फंदा, इसको भी बुन के उतारेंगे। फिर तागा अपनी तरफ को करेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे। इस तरह हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी दो रो कंप्लीट हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।